सोमवार को दशहरा के मौके पर एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां तीन दोस्त एक दुकान में कपड़े खरीदने गए। इसी बीच दुकान में ही कुछ बात हुई और एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को गोली मार दी और फरार हो गया। उससे भी ज्यादा मानवता को शर्मसार कर देने वाली बात तब हुई जब युवक गोली लगने के बाद दुकान में गिरकर तड़पने लगा और उसे अस्पताल भेजने के बजाय दुकानदार ने घायल को बेरहमी से घसीटते हुए सड़क पर लाकर छोड़ दिया। दृश्य पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। मामला पटना सिटी के मासलामी थाने का है, जहां बीती शाम करीब 4:45 बजे एक युवक ने दशहरा की भीड़ भाड़ में अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। वही हत्या की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस ने मृतक की पहचान 19 साल के कृष्ण कुमार के रूप में की है। हाँ देखिए, आज 4:40 में 4:40 में तीन दोस्त आए थे यहाँ शिवा वस्त्रालय में, भट्टी नीचे जो सिमली है यहाँ पे, और उसी में से उसी तीनों युवक में से एक युवक ने अपने ही दोस्त को गर्दन में गोली मार दिया। पुरु का किसी बात के लिए हम लोग जांच कर रहे हैं। मृतक का नाम कृष्णा कुमार है, जिसका वो बेनीपट्टी मधुबनी का रहने वाला है। यहाँ पर ये लोग किराया में रहते हैं। कितनी उम्र है? 19 बरस उम्र है। क्या हो सकता था? कहीं सीसीटीवी फुटेज? हाँ, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं हम लोग। उसमें से एक बच्चे को जो उसके एक साथ में था, वो विधि विरुद्ध बालक है, उससे पूछताछ कर रहे हैं और बहुत जल्द घटना का उद्भेदन। दिनांक 10/10/24 को तकरीबन संध्या के 4:45 बजे मालसलामी थाना पुलिस को सूचना मिल गई है कि कृष्ण कुमार, जो कि सिमली नवाबगंज का रहने वाला है, उसको किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जब वो भिट्टी के नीचे एक दुकान में खरीदारी करने आया था, पुलिस घटना का सत्यापन करती है और मौके वारदात पर पहुंचती है तो पता चलता है कि तीन मित्र उस दुकान पर खरीदारी करने आए थे और उसमें से एक मित्र ने उसे गोली मारकर वहां से फरार हो जाता है। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देशन में एक टीम का गठन किया जाता है और ये टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मुख्य आरोपी को, जो कि विधि विरुद्ध बालक है, उसको निरुद्ध किया जाता है और घटना में प्रयुक्त पिस्टल उसकी भी बरामदगी 2 घंटे के अंदर सुनिश्चित की जाती है। अभी मौके वारदात पर एफएसएल टीम जो है मौजूद है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। पटना सिटी डीएसपी ने कहा है कि इस मामले में एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया है और घटना में इस्तेमाल की गई पिस्टल को बरामद कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया में यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है।